हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सिविल। तो चलिए हम आज इस वीडियो से एक नए सब्जेक्ट को, एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर डिमांड, और वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 या फिर एसए 2। अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे एसए 2 के, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, दूसरा टॉपिक होगा मैट्रिक्स मेथड, तीसरा टॉपिक होगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का, और चौथा टॉपिक होगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में। तो कुल मिला के ये चार मेथड है, ये चार टॉपिक हमारे पास है। सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बाजू में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई नई टेक्निकल अपडेट्स है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए बात करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जिसका पता होना आपको बहुत जरूरी है। पहले हम देखते हैं स्टीफनेस क्या होती है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसके अंदर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, दैट व्हाट इज स्टीफनेस। अगर हम स्टीफनेस को आसान भाषा में डिफाइन करें कि स्टीफनेस होती क्या है, तो मान लीजिए आपके पास एक मेंबर है, जिस मेंबर को, उस मेंबर को अगर आपको सिंपली सपोर्टेड एंड के ऊपर से उसे आपको स्लोप देना है या फिर रोटेट करना है यूनिट डिग्री, मतलब एक डिग्री, एक यूनिट रोटेशन आपको उस मेंबर को देना है उस सिंपली सपोर्टेड एंड की तरफ से, तो उसके लिए जितनी मोमेंट रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए जितनी मोमेंट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं उस मेंबर की स्टिफनेस। ठीक है, उस मेंबर की स्टिफनेस, और स्टिफनेस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल के से। स्टिफनेस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल के से हम डिनोट करते हैं। अगर हम स्टिफनेस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये होगा मोमेंट अपॉन रोटेशन। ठीक है, सिंपल, मतलब क्या है कि यूनिट रोटेशन के लिए रिक्वायर्ड मोमेंट, दैट इज मोमेंट अपॉन रोटेशन। ठीक है, हमें पता है, हमने डेफिनेशन के अंदर देखा कि यूनिट रोटेशन मतलब एक। ठीक है, तो थीटा अगर एक हो जाए तो इसका मतलब के इज इक्वल टू एम हो जाएगा। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये होता है स्टीफनेस। अब देखिए, स्टीफनेस के अंदर दो अलग अलग केसेस होते हैं, डिपेंड करता है आपके सपोर्टिंग कंडीशन के ऊपर, दो अलग अलग केसेस। सबसे पहला केस इसके अंदर होगा फार एंड फिक्स। अब नाउ व्हाट इज फार एंड? तो मान लीजिए आपके पास एक ये बीम या एक मेंबर है, ठीक है, जिसका ये एंड सिंपली सपोर्टेड है, जहां पर आपको रोटेशन देना है, रोटेशन अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो दूसरा एंड है जो उससे दूर है, मान लीजिए ये फिक्स है, तो हम इसे क्या कहेंगे? फार एंड फिक्स। ठीक है, मतलब इससे जो दूर वाला एंड है वो फिक्स है। तो ऐसी कंडीशन में आपके के की वैल्यू क्या होगी? ऐसी कंडीशन में आपके के की वैल्यू होगी 4EI/L। इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को याद रखें। ठीक है, अगर फार एंड फिक्स हुआ तो 4EI/L होगा, लेकिन अगर फार एंड सिंपली सपोर्टेड हुआ, मतलब इस तरह से, ठीक है, तब आपके के की वैल्यू क्या होगी? तब आपके के की वैल्यू होगी 3EI/L। इस चीज को याद रखें। ठीक है, ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसका जानना आपको बहुत जरूरी है। तो हमने दो केसेस देखे स्टीफनेस के अंदर, पहला फार एंड फिक्स और दूसरा फार एंड सिंपली सपोर्टेड। चलिए, तो ये बात हमने की अभी स्टीफनेस के बारे में। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट निकल के आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड व्हाई वी आर यूजिंग इट एंड हाउ टू फाइंड इट? ओके, चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर मेंबर पर कितनी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ मैं कि ये एक जॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है या जॉइंट है जिसके ऊपर एक से ज्यादा मेंबर जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मेंबर है, ठीक है, अब ये जो है ये सिंपली सपोर्टेड है, ये फिक्स सपोर्टेड है, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है। ठीक है, और ये आपका जॉइंट है, ये क्या है? आपका जॉइंट है। यहां पर जो मोमेंट क्रिएट हो रही है, तो यहां की मोमेंट हमें हर एक मेंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब वो किस तरह से और किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें क्या बताता है कि भाई जो भी पर्टिकुलर मोमेंट है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो अंडर द लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर होनी चाहिए, अंडर द लिमिट ऑफ स्टीफनेस। ठीक है, जो भी उसकी स्टीफनेस है, जो भी उसकी कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंगली मोमेंट वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, दैट इज द डिजाइन। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें बताता है। अगर हमें जानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, k अपॉन समेशन ऑफ k, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्टिफनेस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर डिवाइड बाय समेशन ऑफ स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स।
इस तरह से हम निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मेंबर के अंदर कितनी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। चलिए हमने ये देख लिया। नाउ अब हम ये देखते हैं कि भाई फिक्स एंड मोमेंट पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन के लिए किस तरह से हमें निकालनी है और क्या होती है। ठीक है, फिक्स एंड मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको समझना ज़रूरी है। इसके अंदर अलग अलग केसेस होते हैं और ये सारे जो केसेस है ये वेरी करते हैं लोडिंग कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अलग अलग लोडिंग कंडीशन, मान लीजिए ये पहला मेंबर है। ठीक है, जो इसके दोनों एंड फिक्स होते हैं। ठीक है, फिक्स एंड मोमेंट निकालनी है, दोनों एंड फिक्स है। पहली लोडिंग कंडीशन, बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है। अगर इसकी पूरी लेंथ स्मॉल एल है तो ये स्मॉल एल बाय टू हो जाएगा। ठीक है, बीच में से हमने उसे कट कर दिया, मतलब ये बीच में, बिल्कुल बीच में एक्ट कर रहा है। और इसे हम कह देते हैं ए पॉइंट और इसे हम कह देते हैं बी पॉइंट। ठीक है, ये दो हो गए। अब हमें क्या करना है, फिक्स एंड मोमेंट को पता करना है। तो फिक्स एंड मोमेंट का फॉर्मूला होता है एम एफ ए बी, इसे हम क्या कहते हैं एम एफ ए बी। अब ये एम एफ ए बी का मतलब, इसके अंदर भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, दैट वॉट इज एम एफ ए बी। देखिए, एम एफ ए बी का मतलब होता है कि भाई मोमेंट ऑन, या फिर हम कह सकते हैं फिक्स एंड मोमेंट ऑन ए फ्रॉम बी, बी की तरफ से। ठीक है, बी की तरफ से या बी की ओर से ए पर मोमेंट। ठीक है, और एम एफ बी ए मतलब क्या होता है, वॉट इज एम एफ बी ए। तो एम एफ बी ए मतलब बी के ऊपर ए की तरफ से मोमेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। चलिए तो हम अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें ये पता करना है। देखिए, फॉर्मूला इसका सिंपली होता है डब्ल्यू एल बाय एट। क्या होता है फॉर्मूला, डब्ल्यू एल बाय एट। और क्योंकि ये दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये सेंटर पर हमने रखा है तो दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी मूवमेंट, इसका मतलब ये भी हो जाएगा डब्ल्यू एल बाय एट। अब एक चीज यहां पर ध्यान करने जैसी है, गौर करने जैसी है, और वो है इसकी साइन। ठीक है, इसका नेचर। तो देखिए, मोमेंट के अंदर आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब साइन कन्वेंशन किस तरह से कंसिडर करोगे, आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि नेगेटिव कौन सी है और पॉजिटिव कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये मोमेंट जो होती है, मोमेंट इज़ वन टाइप ऑफ रिएक्शन। मोमेंट क्या होती है, एक तरह की रिएक्शन होती है। और ये मोमेंट क्रिएट कब होती है, जब ऊपर से कोई लोड लग रहा है, ऊपर से कोई एक्शन हो रहा है, तो उस लोड का रिजल्ट, उस लोड को अपोज करने के लिए जो एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलरी, उसे हम कहते हैं मोमेंट। अब ये मोमेंट जब रिएक्शन है, तो मान लीजिए ये ऊपर से लोड यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसे बैलेंस करने के लिए इस तरह से मोमेंट लगेगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मोमेंट लगेगी। अगर इस तरह ये जो लोड है यहाँ से ये इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस तरह से ये मोमेंट इस तरह से लगेगी। ठीक है, इस तरह से लगेगी। आई बात समझ में, डायरेक्शन आपको पता चल रही है। चलिए, मतलब ये इधर से लग रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ये इधर से लग रहा है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये उनकी रोटेशन की डायरेक्शन है। अब ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस पर अगर आप गौर करोगे तो ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसे हम माइनस कहेंगे। और ये क्लॉकवाइज है, देखिए ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो हम इसे प्लस कहेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, समझना है। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर ये माइनस हो जाएगा और यहां पर ये प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए, तो हमने ये देखा अभी एक लोडिंग कंडीशन के लिए कि भाई अगर आपका लोड बिल्कुल सेंटर पे है तो डब्ल्यू एल बाय एट ए पर माइनस डब्ल्यू एल बाय एट होगा, और बी पर, मतलब जो पॉइंट बी है वहां पर, प्लस डब्ल्यू एल बाय एट होगा। अब मान लीजिए सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं यहां पर कि भाई आपके दोनों एंड फिक्स है और जो लोड है वो सेंटर पे नहीं बल्कि सेंटर से कहीं दूर है। मान लीजिए आपका लोड यहाँ पर है, ये W जो है, ये पॉइंट लोड जो है यहाँ पर लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये आपके पास A है और ये B है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसे इस डिस्टेंस को A मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम B मान लेंगे। ठीक है, A और B मान लेंगे। अब यहाँ पर एम एफ ए बी क्या होगा, एम एफ ए बी यहाँ पर होगा W इंटू ए इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखिए, हल्के बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, अगर आपको गौर से समझोगे, अपने माइंड में उतारोगे, तो आपको इसे रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये एम एफ ए बी क्या होगा, ए के ऊपर बी के द्वारा, बी की तरफ से आ रही मूवमेंट वो कितनी है, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और उसकी साइन कौन सी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, इस तरह से होगी, ओके, नेगेटिव। अगर हम बात करें बी के ऊपर एम एफ बी ए, तो ये क्या होगी भाई, ये होगी डब्ल्यू बी ए स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर।
और ये पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों केसेस के लिए देख लिया कि अगर आपका पॉइंट लोड सेंटर में लग रहा है तब क्या फॉर्मूला होगा फिक्स एंड मोमेंट का, अगर आपका पॉइंट लोड सेंटर में नहीं है बल्कि सेंटर से थोड़ा दूर है तब आपके लिए फिक्स एंड मोमेंट क्या होगी, ये हमने देख लिया। अब तीसरा केस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तीसरा केस आपके पास और दो एक दो तीन केस है जिसके हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपको फर्दर एग्जाम्पल के अंदर। चलिए तीसरा केस हम डिस्कस देखते हैं यहाँ पर। तीसरा केस हमने अभी अब तक देखा हमने पॉइंट लोड के लिए, अब हम देखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए जो कि आपके पूरे बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपकी फिक्स एंड मोमेंट क्या होगी, कितनी होगी, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फिक्स एंड मोमेंट एम एफ ए बी इज इक्वल टू होगा यहां पर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 और ये माइनस में होगा, ठीक है। और ये क्या होगा एम एफ बी ए इज इक्वल टू क्या होगा ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों तरफ ये सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये प्लस में होगा, ठीक है। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा चौथा केस हम देखते हैं यहाँ पर। चौथा केस यहाँ पर हमारे पास होगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब क्या है, इस तरह से ये लोड होता है, ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो देखिए इसके लिए अगर हम बात करें ए और बी, ठीक है, हम बात करें अगर ए पर कि भाई एम एफ ए बी क्या होगा, एम एफ ए बी इसके लिए होगा, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 20 होगा और ये होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 30, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। ये हमने देख लिया ये चार केसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जांपल्स के अंदर यूजफुल रह सकते हैं, तो आप इसे समझे सोचे याद रखे अपने माइंड में उतारे, ठीक है। हमने चार केसेस देख लिए फिक्स एंड मोमेंट के बारे में। अब फिक्स एंड मोमेंट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था जो हमें पता चल गया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है ये हमने पता कर लिया, ओके। स्टिफनेस क्या होता है ये भी हमने पता कर लिया। अब इन सारी चीज़ों को किस तरह से फाइंड आउट करना है ये हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इस पूरे मेथड के अंदर, थ्रू आउट मेथड के अंदर, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के इसके अंदर बहुत ही सिंपल और साधारण से चार स्टेप है, सिर्फ और सिर्फ चार स्टेप हैं। पहला स्टेप के अंदर आपका होगा कि भाई आप जो भी आपको बीम या मेंबर गिवन है उनकी आप फिक्स एंड मोमेंट को कैलकुलेट कर लें। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फिक्स एंड मोमेंट को निकालें। दूसरा स्टेप के अंदर होगा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालें, ओके। हर एक मेंबर का एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है हर एक एंड का, उस मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालें। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के बाद उस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंगली तीसरा स्टेप आपके पास होगा मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक। क्या करना होगा आपको, मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हम इसे एग्जांपल के आगे अंदर देखेंगे। और चौथा स्टेप आपके आपके पास होगा कि जो भी मोमेंट आपने डिस्ट्रीब्यूट किए उसके अकॉर्डिंगली एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को तैयार करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं। ये आपके बेसिक और सिंपल से चार स्टेप थे इस मेथड के अंदर, यही आपको करने हैं। इतना आपने कर लिया तो आपका यहाँ पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे और आपके जो भी डाउट या कंफ्यूजन हो हम उस वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हमारे सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये रहा एग्जांपल बिल्कुल आपके सामने जिसके अंदर आपको कहा गया है एनालाइज द बीम शोन इन फिगर बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ड्रो द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर इट। आपको क्या करना है यहाँ पर, इस बीम को एनालाइज करना है और इसके अकॉर्डिंगली आपको एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आपको पहला स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि पहला स्टेप आपका होना चाहिए फिक्स एंड मोमेंट का। आपको क्या करना होगा, इस बीम के लिए जो भी फिक्स एंड मोमेंट है वो पहले आपको कैलकुलेट करनी होगी। वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है इसके लिए मैंने आपको अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए फॉर्मूला बताया है अभी जस्ट, तो उसी फॉर्मूला का आपको यहां पर यूज करना है। नया कुछ नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हम बात करते पहले एम एफ ए बी के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं ए के ऊपर बी की तरफ से लग रही मोमेंट या फिर फिक्स एंड मोमेंट, ठीक है, वो कितनी होगी। तो उसका फॉर्मूला, क्योंकि ये सेंटर में लग रहा है पॉइंट लोड और ये पॉइंट लोड कितना है 40 किलो न्यूटन, कितना लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन बिल्कुल सेंटर के ऊपर, और इस बीम का स्पान, इस मेंबर का स्पान कितना है 4 मीटर का। तो क्या करोगे आप, इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल बाय 8, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, डब्ल्यू एल बाय 8, डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू जो हो जाएगा ये 40 किलो न्यूटन और एल जो हो जाएगा ये 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब नेगेटिव साइन आएगी, तो ये नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर ऑलरेडी रख रखी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी वैल्यू यहाँ पर रखनी है और आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ओके, बिल्कुल आसानी से। चलिए अब बात करते हैं बी के ऊपर ए की तरफ से,
तो वो कितना होगा, कंडीशन सेम है, वैल्यू सेम है, तो आंसर भी सेम आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज होगी। ठीक है, साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगी। ये कौन सी मोमेंट होगी, क्लॉकवाइज मतलब ये पॉजिटिव साइन मोमेंट आएगी। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर प्लस 20 आ चुका है। सिमिलरली हम देखते हैं एम एफ बी सी, मतलब कि बी के ऊपर सी की तरफ से। ठीक है, बी के ऊपर सी की तरफ से वो कितनी, वो अब यहाँ पर क्या है, यू डी एल है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, और साइन कन्वेंशन तो वही रहेगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन फिर से वही रहेगा, मतलब माइनस आएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, और ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर एल कितना होगा, एल इज नथिंग बट दिस 5 मीटर। ठीक है, ये सॉरी 6 मीटर, आपको यहाँ पर 6 मीटर दे रखा है इसकी स्पान, तो आपको 6 मीटर लेना होगा। डब्ल्यू यहाँ पर क्या लोगे आप, तो डब्ल्यू यहाँ पर जो यू डी एल है वो आपको लेना है। ओके, और इस यू डी एल को आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट नहीं करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर कंसिडर करते, सो दैट इज नॉट द मेथड और दैट इज नॉट द वे। ठीक है, चलिए, तो आपको सिंपली वहां पर जो भी लोड है यहां पर रख देना है W को, तो माइनस 20 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 12, दैट इज इक्वल टू माइनस 60 किलोन्यूटन इंटू मीटर। सिमिलरली अगर हम देखें कि भाई सी पर बी की तरफ से कितनी मोमेंट लगेगी, तो सारी चीजें सेम है, तो करने की आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप यहां पर साइन चेंज कर दे और वैल्यू वही रख दे, मतलब प्लस 60 किलोन्यूटन इंटू मीटर। ओके, तो ये हमने क्या किया कि हर एक एंड पर फिक्स एंड मोमेंट निकाल ली है एक दूसरे के तरफ से, ये हमने बिल्कुल आसानी से कर लिया सिंपल तरीके से। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को फाइंड आउट करना एक बहुत ही आसान चीज है, शर्त यह कि इसके अंदर आपको एक टेबल बनाना होगा, यह सारा कैलकुलेशन टेबुलर फॉर्म के अंदर होगा। चलिए, अब टेबल जब बनाते हो आप, तो कई लोग इस टेबल को रट लेते हैं, ठीक है, रट्टा मार लेते हैं टेबल के अंदर कि भाई ये कॉलम होगी, वो कॉलम होगी, वगैरह वगैरह। ऐसे करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकली जाइए, लॉजिकली जाइए। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो एक जॉइंट पे से आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर जॉइंट आता है तो जॉइंट के साथ मेंबर कनेक्ट होगा, उस मेंबर का कुछ स्टिफनेस होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप याद रखोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, इस रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है इसे आपको यहां पर बताना बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये बताना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी मर्जी बताना है तो बता दीजिए, वरना इस पूरे कॉलम को आप यहां से नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जॉइंट। सबसे पहला आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जॉइंट जो भी है आपके इस बीम के अंदर वो जॉइंट यहाँ पे लिखने होंगे। जॉइंट कौन से होते हैं, तो ये एक जॉइंट हो गया, ठीक है, ये एक जॉइंट हो गया, ये जहाँ भी सपोर्ट है मतलब वो एक तरह का जॉइंट है, तो आपको वो जॉइंट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब आप उसे ए बी सी लिखो या फिर सी ए बी लिखो, जो आपको जो लिखना है, हमने यहाँ पर बी ए सी लिखा है तो इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने किया कि यहाँ पर जॉइंट पहले लिस्ट आउट कर लिए, अब उस जॉइंट के साथ कौन से मेंबर कनेक्टेड है वो आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा कॉलम मेंबर का है जिसके अंदर आपको ये बताना है कि उस जॉइंट के साथ कितने मेंबर कनेक्टेड है। अगर हम बात करें बी जॉइंट की, तो बी के तरफ बी के ऊपर बी ए हो जाएगा। ठीक है, ये बी ए जॉइंट और ये हो जाएगा बी सी जॉइंट, तो यहाँ पर दो जॉइंट है। ओके, आपको यहाँ पर दो जॉइंट मिल चुके हैं बी से कनेक्टेड है। अब हमें करना क्या होगा, इन दोनों जॉइंट के लिए स्टिफनेस निकालना होगा। स्टिफनेस किस तरह से निकाला जाता है, तो मैंने आपको बताया था बिगिनिंग इस वीडियो के अंदर बिगिनिंग में कि भाई स्टिफनेस के दो केसेस होते हैं, फार एंड फिक्स वाला केस और दूसरा होता है फार एंड सिंपली सपोर्टेड वाला केस। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो फार एंड फिक्स वाला केस आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर कहीं भी फार एंड फिक्स वाला केस नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार एंड सिंपली सपोर्टेड वाला केस ही है। तो आपको क्या करना होगा, अगर सिंपली सपोर्टेड है तो 3EI/L लेना है, अगर फार एंड फिक्स होता तो 4EI/L लेना होता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ओके, तो हमने क्या करना है, 3EI/L। अब L यहां पर B अगर देखें तो इसके लिए जो लेंथ होगी वो 4 मीटर की होगी, वैसे ही अगर हम BC की बात करें तो जो लेंथ होगी इसके अंदर वो 6 मीटर की होगी। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट, तो यहां पर देखिए आपको क्या है, 2I दे रखा है यहाँ पर आपको I, तो यहाँ पर जो भी आप EI लेते हो तो यहाँ पर सिंपली आप I लिख दोगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2I आपको दे रखा है, I की वैल्यू यहाँ पर 2I दे रखी है, तो आपको I की जगह सिंपली यहाँ पर 2I रखना है। इस चीज़ को भी ध्यान रखें, सारी चीज़ें आप बारीकी से करोगे, ध्यान से करोगे, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखेंगे तो कहीं भी आपकी कोई भूल नहीं होगी। चलिए, हमने क्या किया कि भाई इंडिविजुअल मेंबर का यहाँ पर स्टिफनेस निकाल लिया, अब इस स्टिफनेस को हमें समीशन करना होगा। ठीक है, दोनों को मिला दीजिए तो ये 1.75 EI हो जाएगा, सिंपल, ये हमने इतना कर लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी अगर आपके एंड, ये एंड और ये एंड अगर सिंपली सपोर्टेड है तो हमेशा वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर यही सपोर्ट अगर फिक्स होते, अगर यही सपोर्ट दोनों फिक्स है तो फिक्स सपोर्ट ऑलवेज उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑलवेज 0 होता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में
फिट कर ले। ठीक है, क्या होगा, अगर फिक्स सपोर्ट है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जीरो, अगर सिंपली सपोर्टेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वन होगा। ठीक है, तो यहां पर ए और सी जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वन होगा। चलिए, तो हमने क्या किया कि भाई यहां पर के निकाल लिया बी ए और बी सी के लिए, और समेशन ऑफ के भी कर लिया। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है के अपॉन समेशन ऑफ के, वो यहां पर हमें अप्लाई करना है। वो किस तरह से करोगे अप्लाई, तो देखिए 0.75 EI डिवाइड बाय 1.75 EI, तो EI कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, और 0.75 डिवाइड बाय 1.75 करोगे तो आपको 0.43 आंसर मिलेगा। सिमिलरली अगर 1 EI बाय 1.75 EI करोगे तो यहां पर भी EI कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और बचेगा 1 divided by 1.75, तो आपको आंसर मिलेगा यहां पे 0.57। और एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, नोट करने जैसी है क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है, और वो है कि हमेशा इन दोनों का जो समेशन होता है वो इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। ओके, तो हमने क्या किया कि बिल्कुल आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को निकाल लिया, इसके अंदर रटने वाली चीज कोई नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, सारी चीज को समझोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। नाउ थर्ड स्टेप हमारे पास था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब क्या करना है आपको कि जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले उसके अकॉर्डिंगली आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का अपना तरीका होता है। ठीक है, समझ लीजिए, यहाँ पर जो भी आपके जॉइंट है उसके लिए आप पहले एक लाइन यहाँ पर बना दीजिए। ठीक है, लाइन अपने बना दिए तो उसे नाम दे दीजिए कि भाई आपने ए के लिए बनाए तो ए, बी के लिए बनाए तो बी, सी के लिए बनाए तो सी, अगर डी होता तो डी के लिए बना देते। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाइन बना देनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, एक लाइन इस तरह से आपको ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिख देना है डी एफ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जो भी आप, मैंने आपको बताया था कि जो भी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होती है वो इस फैक्टर के अकॉर्डिंगली ही होती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ पर तो हमने अभी देखा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए के ऊपर 1 था, सिंपली सपोर्टेड था इसलिए 1 यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था। ठीक है, सी जो है वो भी सिंपली सपोर्टेड, तो हम यहां पे 1 लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस बीच वाली वैल्यूज की। ठीक है, तो बी के ऊपर हमने देखा कि बीए के लिए मेंबर बीए का जो स्टीफनेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था वो कितना था, 0.43 था, और बीसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था वो 0.57 था। तो इस तरह से हमने दोनों फैक्टर को यहां पर लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है आपको, दूसरे नीचे उसके क्या करना है, फिक्स एंड मोमेंट को लिखना है जो हमने कैलकुलेट की थी, फिक्स एंड मोमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर वही आपको लिखना है, मोमेंट ऑन ए ड्यू टू बी और फ्रॉम बी वो कितनी आ रही थी, -20, तो आपको -20 लिखना है। मोमेंट ऑन बी फ्रॉम ए वो +20 आ रहा है, तो +20 आपको लिखना है। मोमेंट ऑन बी फ्रॉम सी वो -60 आ रहा है, तो आपको -60 यहां पे लिखना है, और सी पर बी की तरफ से वो +60, तो आपको +60 लिखना है। इस तरह से आपने क्या किया, यहां पे फिक्स एंड मोमेंट को लिख दिया। अब यहां से आपकी मेन प्रोसीजर स्टार्ट होती है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देखिए इसके अंदर करना क्या है, सिंपल, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाए रखें यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह से। चलिए, करना क्या होगा आपको कि ये जो 20 है और ये 20 है, ठीक है, आपको क्या करना होगा कि इस 20 को, ये जो 20 है इस -20 को इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। इस -20 को क्या करना होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, मतलब -20 × 1 दैट इज -20 होगा, और उसकी अपोजिट साइन वाली वैल्यू आपको यहां पर रखनी होगी। मतलब -20 था तो उसके अपोजिट साइन क्या हो जाएगी, +20, तो हमने +20 यहां पर रख दिया। ठीक है, सिंपल, इसी तरह से आपको इस तरफ से भी करना है। ठीक है, क्या करना होगा आपको कि 60 × 1 60 हो गया, +60, और उसकी अपोजिट साइन वाली वैल्यू यहां पर रखोगी तो -60 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे समझते जाइएगा, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह से आगे तो आपको बिल्कुल ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कब क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो ये 60 हो गया, तो ये -60 हो गया। ठीक है, ये -60 हुआ। अब करना क्या है आपको कि इसकी हाफ वैल्यू यहां पर ट्रांसफर कीजिए और इसकी हाफ वैल्यू यहां पर ट्रांसफर कीजिए। ओके, आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल, ये 20 था तो 10 यहां पर आ गया, ये -60 था तो ये -30 यहां पर आ गया। ओके, इतनी बात समझ में आ चुकी है आपके। चलिए, अब क्या करना है आपको, आपने ट्रांसफर यहां पर कर दिया, अब यहाँ पर एक लाइन आप खींचोगे और इस लाइन के बाद यहाँ पर समेशन करोगे। समेशन किस तरह से करोगे आप, तो देखिए ये -20 + 20 जीरो हो गया। ठीक है, ये 20 + 10 ये 30 हो गया, ये -60 - 30 - 90 हो गया, और ये 60 - 60 ये जीरो हो गया। ठीक है, ये आपने इनिशियल मोमेंट्स निकाली, क्या थी ये इनिशियल मोमेंट्स आपने यहाँ पर निकाली, वो है 0, 30, 90 और 0, ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब क्या करना है आपको, अब करना ये है, देखिए 30 - 90, वैसे इन दोनों, ये जो दोनों वैल्यूज होती है इन दोनों के बीच जो कॉमन साइन होती है वो प्लस की होती है, लेकिन क्योंकि 90 के साथ ऑलरेडी
थर्टी माइनस है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसको 30 माइनस 90 कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी लोग इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं और ये मानते हैं कि हमेशा ऐसे हमें माइनस करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी आपकी दूर कर लीजिएगा। 30 माइनस 90 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 90 के साथ माइनस की वैल्यू, माइनस की साइन है, इसलिए अगर ना होती तो 30 प्लस 90 होता। ठीक है, चलिए तो करना क्या, आपको 30 माइनस 90 करोगे तो माइनस 60 आ जाएगा। इस माइनस 60 को क्या करना है, आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 60 इंटू 0.43, तो आपके पास वैल्यू मिलेगी माइनस 25.8। कितनी मिले आपको वैल्यू मिलेगी, माइनस 25.8। अब ये जो माइनस 25.8 की आपको वैल्यू मिली है, वही सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ आपको यहां पर रखनी है। ओके, वैल्यू वही रहेगी, साइन उसकी अपोजिट हो जाएगी, मतलब माइनस 25.8 था तो प्लस 25.8 आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, सिमिलरली क्या करना होगा आपको कि भाई माइनस 60 इंटू 0.57, मतलब ये होगा माइनस 34.2। क्या होगा, माइनस 34.2, तो वही माइनस 34.2 यहाँ पर वैल्यू रखनी है विथ अपोजिट साइन। ठीक है, मतलब प्लस 34.2। ठीक है, ये आपने क्या किया, इतना काम कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बैलेंस हो चुकी है यहाँ पर। आप किस तरह से पता चलोगे बैलेंस होगी नहीं, देखिए आपको करना क्या होगा इसके अंदर, एक चीज़ और ध्यान रखें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एक चीज़ और ध्यान रखें कि हमेशा जॉइंट, जो इंटरमीडिएट जॉइंट होते हैं उनके अंदर जो मोमेंट के समीशन, जब ये रेजोल्यूशन जो होते हैं, ये जो मोमेंट आ रही है, ठीक है, ये मोमेंट किस तरह से आती है देख लीजिए, इसकी क्या करना है आपको, इसका समीशन करना होगा। किस तरह से करोगे आप, तो भाई देखिए ये अगर आप देखोगे इसके, तो 30 प्लस 25.8 आपको क्या ऊपर आपको नहीं रखना है। ठीक है, ये जो आपने लास्ट कॉलम देखे थे कि इसी को आपको अब कंसिडर करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हमने जो समीशन वाला था इनिशियल मोमेंट के बाद, ये जो इनिशियल मोमेंट वाला स्टेप था ना, इसके बाद आपको यहाँ पर समीशन करना होगा। हालांकि ऊपर आपको कुछ नहीं करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये 30 प्लस 25.8, ये 55.8 आ गया प्लस के अंदर, और ये माइनस 90 प्लस 34.2, ठीक है, तो ये माइनस 55.8 होगा, कितना होगा, माइनस 55.8। अब आपको ध्यान रखना ये है यहाँ पर कि हमेशा ये जो इंटरमीडिएट जॉइंट होते हैं उनकी मोमेंट यहाँ पर अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये हमेशा ज़ीरो आनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से, तो 55.8 माइनस 55.8 ये ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट, इन शॉर्ट यहाँ पर मोमेंट आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, जिसे हम प्लस या माइनस करें तो ये ज़ीरो हो जानी चाहिए। That is the resolution of this intermediate joint. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये जीरो हो रही है, इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है, ये हमारी फाइनल मोमेंट थी। तो हमने बहुत सिंपल और आसानी से यहाँ पर क्या किया कि मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और भी कई सारे केसेस होते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी ये बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसे आप समझ लीजिए ध्यान से, और अब जो भी इसका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि डाउट आपका क्लियर हो जाए। चलिए, हमने क्या किया यहाँ पर, मोमेंट निकाली। देखिए मोमेंट है ये, मोमेंट ऑन ए फ्रॉम बी कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, ये हमने इसके बेसिस पर निकाला। मोमेंट ऑन बी फ्रॉम ए, तो ये 55.8 हो रहा है। ठीक है, और ये मोमेंट ऑन बी फ्रॉम सी, दैट इज माइनस 50.8, और ये मोमेंट ऑन सी फ्रॉम बी, दैट इज जीरो। ये डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, इतना आपको पता चल गया होगा आई होप। चलिए तो अब लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और वो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना भी बहुत सिंपल और आसान चीज़ है। देखिए किस तरह से ड्रॉ की जाती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो आपको दो चीज़ यहाँ पे पता होना जरूरी है, तो फिक्स एंड मोमेंट और मिड स्पान मोमेंट। अब मिड स्पान, फिक्स एंड मोमेंट तो हमने अभी भी निकाली है, लेकिन मिड स्पान मोमेंट हमने अब तक निकाली नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, मिड स्पान मोमेंट निकालनी होगी। वो किस तरह से निकालेंगे हम, तो मिड स्पान मोमेंट के लिए देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्पान होता है यहाँ पर, अगर सेंटर पे लोड लग रहा है तो इसका मोमेंट क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड मोमेंट कितनी होगी इसकी, तो इसकी मोमेंट होगी WL/4। कितना होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा, WL/4। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसी स्पान के ऊपर, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता तो वो WL²/8 होता, इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया यहाँ पर कि भाई अगर हम बात करें ए बी स्पान के लिए, तो WL/4 होगा, W की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, दैट इज़ 40। W की वैल्यू कितनी होगी, 40, हमने अभी देखा था हमारे प्रीवियस बीम के अंदर कि वहाँ पर W की वैल्यू 40 दे रखी है, तो 40, और L यहाँ पर जो है स्पान का जो लेंथ है वो आपको 4 मीटर दे रखा है, तो ये 40 × 4/4 आ गया। ठीक है, तो ये 40 आ रहा है, 40 kN/m, मतलब ये जो स्पान मोमेंट आ रही है ए बी के लिए, सेंटर मोमेंट, वो कितनी आ रही है, 40 kN/m। सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्पान बी सी के लिए फाइंड
फाइंड आउट करेंगे स्पान बीसी के लिए किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए यूडीएल है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे, डब्ल्यू आपको 20 दे रखा है तो 20 ही लेना है, 6 दे रखा है उसका स्पान तो 6 लेना है, ठीक है। और 8 आपको एज इट इज फॉर्मूले के अंदर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर ये मोमेंट आ रही है। ये हमने स्पान मोमेंट निकाल ली, फिक्स एंड मोमेंट आपको पता चल गई, स्पान मोमेंट आपको पता चल गई, तो आप क्या करोगे, आप इजिली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। किस तरह से करेंगे, देखिए आपको करना क्या है कि भाई पहले एक ये जो लाइन है इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इसके ऊपर जो भी जॉइंट जहाँ पर है उसको आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देना है, ये ए है, ये बी है और ये सी, आपने तीन जॉइंट यहाँ पर लग दिए। अब क्या करना है आपको कि भाई ए पर जो मोमेंट है वो ज़ीरो है, ए पर मोमेंट ज़ीरो है मतलब ये ज़ीरो, ठीक है। और दूसरी चीज़ सी पर भी मोमेंट वो ज़ीरो है, ठीक है, ये ए पर और सी पर मोमेंट ज़ीरो है। बी पर ए की तरफ से 55.8 है और बी पर सी की तरफ से -55.8 है, तो आप क्या करोगे सिंपली यहाँ पर 55.8 के ऊपर एक पॉइंट करोगे और ये लाइन यहाँ पर सीधी खींच लोगे इस तरह से, ठीक है। ये आपने क्या किया कि भाई जो भी फिक्स एंड मोमेंट थी वो आपने यहाँ पर रख दी, ठीक है, बिल्कुल आसान। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज्वाइन कर लिया हमने इसे इतना, तो ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब मिड स्पान मोमेंट यहाँ पर रखनी है। मिड स्पान मोमेंट किस तरह से रखोगे आप, तो मिड स्पान देखिए ये सेंटर लोड था यहाँ पर, तो इस तरह से मोमेंट रखे गए, 40 है मिड स्पान मोमेंट, तो इस तरह से 40 रख देंगे हम यहाँ पर बिल्कुल सेंटर के अंदर। ये यूडीएल था तो यूडीएल का जो मोमेंट डायग्राम बनता है वो हमेशा कर्व होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमने 90 रख दिया, 90 है, ठीक है, ये 90 है तो 90 हमने रख दिया। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन के लिए, तो साइन कन्वेंशन के अंदर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जो भी साइन कन्वेंशन होता है वो इसी के अकॉर्डिंगली होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हो, हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक कमेंट के जरिए आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ना हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट को इंक्लूड करेंगे और वहीं पर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट मी रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।